भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था, मेरे पास कभी अपना कोई घर नहीं रहा। उनके इसी एहसास ने उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में बदलाव करने और लोगों से संपर्क साधने में मदद की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नेताओं को रुकने और रहने के लिए कंटेनर्स में घर जैसे बने केबिन्स मिले। राहुल गांधी के पास अपना कोई घर नहीं, सोनिया गांधी के पास अपना कोई घर नहीं। अब कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी छिन गई और इसके साथ ही अब उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ेगा जो उन्हें बतौर सांसद रहते हुए आवंटित किया गया था। मतलब ये कि लोकसभा की सदस्यता छिन जाने के बाद राहुल गांधी को रहने के लिए नया ठिकाना ढूंढना होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स ही केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों के सरकारी बंगलों का आवंटन करते हैं। सांसदों को जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन एक्ट के तहत सरकारी बंगलों का आवंटन किया जाता है। राहुल गांधी के संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद अब उनको नियमों के अनुसार सरकारी बंगला खाली करना होगा। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार के संपत्ति अधिकारी की ओर से उन्हें एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसका जवाब उन्हें 3 दिन के अंदर देना होगा। सरकारी बंगले का अलॉटमेंट कैंसिल होने के बाद आम तौर पर कब्जेदार को कारण बताओ नोटिस भेजकर 30 दिन के भीतर बंगला खाली करने के लिए कहा जाता है। कब्जेदार के पास डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स के पास अपील करने का मौका होता है। अगर DOE ये अपील ठुकरा देता है तो सरकारी बंगला खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि इस बीच अगर कब्जेदार की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो पूरे मामले की सुनवाई पूरी होने तक बंगला खाली करने की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। राहुल गांधी के मामले में कांग्रेस सूरत कोर्ट के आदेश और संसद के सदस्यता रद्द को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, जिसके चलते राहुल गांधी को तुरंत बंगला खाली नहीं करना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगाई जाती तो उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।